बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ड्रा रोड क्रॉस सेक्शन इन एक्सेल विद फिल एंड कट एरिया वॉल्यूम एंड प्रिंट आउट सेटिंग। तो ये कम्प्लीट चीज़ों के मुतालिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। आप अपना एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिकली क्रॉस सेक्शन कैसे बना सकते हैं, उसका कट फिल एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं, उसका टोटल वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये आपके सामने इधर क्रॉस सेक्शन बना हुआ है इसमें, तो ये आप ये इधर से देख रहे हैं कि नेक्स्ट आर डी आप करते जा रहे हैं तो ये आपके पास पूरा क्रॉस सेक्शन इधर से नीचे आपको कंप्लीट नज़र आता जाएगा सारा। इधर से आपकी आर डी चेंज होती जाएगी, इधर आगे नीचे आपके पास इधर ये आप देख रहे हैं तो इधर से आपके पास इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया भी इधर से चेंज होता जाएगा। आपने इसको आप कैसे बना सकते हैं इधर, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ। मेरे साथ ही रहिए, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है। तो ये पूरा कंप्लीट वर्किंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और इसके अंदर से मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसका प्रिंट आउट कैसे कर सकते हैं। प्रिंट में जाएंगे आप इसकी ये सेटिंग कैसे कर सकते हैं इसके अंदर कंप्लीट, ये आपके एलिवेशंस वगैरह सारे, ऊपर आपकी आरडी कट फिल एरिया और नीचे आपकी पूरी टेम्पलेट, प्रोजेक्ट की टेम्पलेट जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं वो सारी की सारी एक्सेल के अंदर बन सकती है। तो इधर ये इसके अंदर भी इसी तरह सेम टू सेम आप इधर से क्लिक करते जाएँगे प्रीवियस आर डी या नेक्स्ट आर डी, तो इधर आपके एरियाज भी चेंज होते जाएंगे, इधर आपके पास नीचे सारा कुछ उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया भी सारा चेंज हो जाएगा। तो आपको ये कैसे बनाने हैं इसके अंदर मैं आपको इनपुट के ज़रिए बताता हूँ, पहले पूरा प्रॉपर्ली डेटा बताऊँगा, उसके बाद इसकी टॉप पॉइंट्स की कैलकुलेशंस, इसकी पूरी एरिया की कैलकुलेशन के मुताबिक भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपने सबसे पहले इधर रोड की अपनी टोटल विड्थ दे देनी है, जो भी आपकी जितनी विड्थ आएगी जितने के ऊपर आपने क्रॉस सेक्शन बनाना है। आपकी साइड स्लोप स्टार्ट हो रही है वो आपने जैसे दे देनी है, 30 मीटर है 30 मीटर कर देनी है, 20 मीटर है तो 20 मीटर कर देनी है, 10 मीटर है आपने जैसे उसकी विड्थ को 10 मीटर कर देना। तो ये आप ये देखेंगे आपके जिस तरह आप ऊपर से विड्थ को आप चेंज करेंगे नीचे आपका सेक्शन भी उसी तरीके से छोटा और बड़ा हो जाएगा। तो आपने अपनी विड्थ को सारा कुछ इसी हिसाब में एडजस्ट कर लेना है, ख्वाह आपका काम मीटर्स के अंदर है या आपका काम फिट्स के अंदर है। तो दोनों सूरतों में आपने इधर उसकी विड्थ को इधर से इसी तरीके से इनपुट कर देना सारा पूरे डेटा को कंप्लीट, इसी तरीके से ये आपका सेक्शन इधर से ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। तो आप मेरे पास इधर विड्थ है कि 30 मीटर्स की, उसके बाद पेवमेंट की साइड स्लोप, पेमेंट की साइड स्लोप ये जो ऊपर जा रही है आपके पास, ये आपको आपने इधर देनी है आपके पास 1:1 है तो आपने जैसे 1:1 कर देनी है, और अगर आपके पास 2:1 है तो आपने जैसे 2:1 कर देनी है। साइड स्लोप आपके पास साइड स्लोप ये जा रही है, एम्बैकमेंट की साइड स्लोप मैं इधर लिख देता हूँ, इधर आपके पास एम्बैकमेंट की साइड स्लोप आएगी, इधर ऊपर हमारे पास पेवमेंट की साइड स्लोप थी और नीचे हमारे पास एम्बैकमेंट की साइड स्लोप होएगी। या आपने अगर आपके पास सेक्शन फिल के अंदर है तो आपने इसको प्लस के अंदर देना है, और अगर कट के अंदर है तो आपने उसको माइनस के अंदर देना है। आपने जो इसकी हॉरिजॉन्टल स्लोप है उसको आपने जैसे माइनस दे देना है, वर्टिकल स्लोप को आपने इसी तरह 1 रहने देना है। आपने इसका ख्याल रखना है जो आपकी फिल वाला एरिया होगा उधर आपने इसके स्लोप को 2 देना है, और इधर आपके पास कट वाला एरिया होगा उधर आपने उसके स्लोप को -2 इनपुट कर देना है। तो ये नीचे आपका डेटा सारा चेंज हो जाएगा। तो या उसके बाद आपने रोड पेवमेंट की स्लोप, ये जो आपके पास ऊपर स्लोप जा रही है ये आपने दे देनी है, 1.5% है तो 1.5 कर देनी है, 2.5 है तो आपने 2.5% कर देनी है। आपने इसी तरह इसके स्लोप को अप डाउन करना है, अगर आपकी स्लोप साइड के ऊपर जा रही है तो आपने -2.5 कर देना है, और अगर प्लस के अंदर जा रही है तो आपने प्लस कर देना है। आपने ये विड्थ दे देनी है। उसी तरह पेवमेंट स्ट्रक्चर, पेवमेंट स्ट्रक्चर आपका वाटर बाउंड सब बेस और एस्फाल्ट की दोनों लेयर्स, एस्फाल्ट की जितनी थिकनेस है, पेवमेंट स्ट्रक्चर की जितनी आपकी हाइट बनती है वो आपने टोटल हाइट इधर कैलकुलेट करके इनपुट कर देनी है। आपके क्रॉस सेक्शन किधर से स्टार्ट हो रहे हैं और किधर तक एंड हो रहे हैं, स्टार्ट और एंड आपने दे देना है। उसके बाद क्रॉस सेक्शन का इंटरवल कितना है, 50 मीटर के ऊपर है तो आपने जैसे 50 मीटर इनपुट कर देना है, 20 मीटर के ऊपर है तो आपने जैसे 20 मीटर का क्रॉस सेक्शन बना देना है, 25 मीटर है तो 25 मीटर का क्रॉस सेक्शन दे देना है। ये आपने अपने डेटे के हिसाब से देना है। तो आपने इधर ये इसको दे देना है सारा एरिया को, आपने क्रॉस सेक्शन का डेटा, ये हमारे पास मेन ये टिपिकल का जो रोड का सेक्शन था ये उसका डिज़ाइन है। इसके बाद आपने NSL फॉर्मेट के ऊपर आ जाना है, ये 7 वाली शीट है, दूसरे सेकंड नंबर के ऊपर शीट NSL फॉर्मेट के ऊपर। तो इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे सेल जा रहे हैं डिस्टेंस और एलिवेशन, ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये एलिवेशन है। आपने इन सेल्स के अंदर अपना डेटा पेस्ट करना है सर,
और आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जैसे अपना डेटा जो भी आप लिख सकते हैं माइनस वाली आईडी के साथ, माइनस से लेके और इधर एलिवेशन आपके पास जो है वो आपने लिखना है, माइनस से लेके आपने इधर ज़ीरो तक आ जाना है और ज़ीरो से लेके फिर आपने प्लस वाली साइड के ऊपर आ जाना है। तो ये आपने ये डेटा इसी तरह इसके अंदर लिख देना है, सिर्फ डिस्टेंस और एलिवेशन के अंदर जो भी डेटा आपके पास है, जिस तरह ये आपके पास जा रहा है तो इधर से आपने डेटा लिखा हुआ है, तो आपने इधर से डिस्टेंस और एलिवेशन, इसी तरह 150 वाली आरडी है तो आपने इधर 150 वाली आरडी के ऊपर इधर आ जाना है। और इधर आप ये देख रहे हैं कि ये किस सेक्शन है हमारे पास, तो आपने इधर से ये सिर्फ इस सेक्शन के अंदर, सिर्फ इन दोनों लाइन्स के अंदर ये आपने इधर से राइट क्लिक करना है और जैसे आपने ये डेटा सेलेक्ट कर लेना है 150 वाली आईडी का, और जैसे आपने कॉपी कर लेना है, एनएसएल फॉर्मेट के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देना है। और आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ये करना है, उसके बाद ये कैलकुलेशन सारी आपकी हुई हुई है। अगर आपके पास पॉइंट इधर तक कम है तो इधर, यानी कि आगे पॉइंट आपके पास नहीं है, तो आपने इधर से ये पॉइंट्स को आपने इधर से ख़त्म कर देना है इधर तक। और अगर आपके पास पॉइंट्स इधर नीचे तक हैं, ज़्यादा हैं, तो आप उसको इधर एक्सटेंड कर देना है इसी तरीके से, जिस तरीके से इधर मैंने किए, ये दोनों साइडों को आपने एक्सटेंड कर देनी है, आपके सारे पॉइंट्स इधर आ जाएंगे। तो आपने ये इधर डेटा का ख्याल इसी तरीके से रखना है, अगर आपके पास इधर डेटा कम है आगा इस एरिए का, आपने उसको भी ख़त्म कर देना है, और अगर नीचे डेटा आ रहा है तो उसको इधर से एक्सटेंड भी कर देना दोनों साइडों के ऊपर। तो ये हमारे पास इनपुट डेटा था, आप इसका डेटा को मैनुअल लिख सकते हैं और इसके अंदर आपने इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट्स के कलर उसको मैं जैसे चेंज कर दूंगा आपके सामने, ये डेटा सारा इसी तरीके से एंड तक, ये बहुत लंबी शीट्स हैं सारी, आपने इधर से इसको आपने इसी तरीके से इनपुट करना है। इधर से मैं इस डेटा का कलर चेंज कर देता हूँ, इधर से आपने डेटा का इसी के अंदर आपने डेटा जस्ट इनपुट करना है, इधर से डिस्टेंस के ऊपर आ जाना है और इन पॉइंट को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। तो इसी तरीके से आइए, एनएसएल का था कि आपने इंटरनल एनएसएल कैसे करने है, आपने जस्ट इधर से डिस्टेंस रेडिविशन लिख देना और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद यूट्यूब प्रोजेक्ट प्रोफाइल, हमारे पास जो रोड की प्रोफाइल जा रही है जिसके ऊपर आपने क्रॉस सेक्शन बनाना है, उसके टॉप लेवल्स जो भी उसके टॉप लेवल्स हैं वो आपने इधर इनपुट करने हैं स्टेशन के साथ। कोई भी डिस्टेंस के ऊपर आप कर सकते हैं, 50-50 मीटर के ऊपर है तो आप 50-50 मीटर के ऊपर कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस ज़ीरो आपने दिया है, 10 मीटर, इसी तरह 20, 30, 40 आपने ये पहले आईडीज लगा देनी है। अगर 25 के ऊपर है तो 25, 50 और इसी तरीके से 100 आपने कर देना है उसको, 75 और 100 आपने कर देनी है। इधर आरडीओ को आपने एंड तक लगा देना, सारी आपकी आ जाएंगी। और इधर से इसी तरीके से अगर आपकी 50-50 मीटर के ऊपर है तो आपने इधर से 50, 100 और 150 इसके ऊपर आरडीएं आपने लगा देनी है। और इधर से आपने इसको डबल क्लिक करके और नीचे तक इसको आपने इसी तरीके से इन आरडीज को आपने बना देना है। तो आरडीज का कोई मसला नहीं है, आपने जस्ट वो वाली आरडी ज़रूर देनी है जितने के ऊपर आपका क्रॉस सेक्शन के इधर आरडी आ रही होगी। अगर ज़ीरो है, 50 है, तो आपका 50 के वाले के ऊपर आपका एफआरएल ज़रूर होना चाहिए। 100 है, 100 के ऊपर ज़रूर होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा आरडी बीच में आ रही है, सपोज इधर 175 की आ रही है, तो आपके पास इधर 175 का जो क्रॉस सेक्शन है उसके हिसाब से इधर आपका एफआरएल ज़रूर होना चाहिए। तो आपने इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। ये मेरे पास, मैंने 10 मीटर के ऊपर ये इधर एलिवेशन लिखे हुए हैं। आपके पास भी अगर जो भी एलिवेशन वगैरह हैं इसका डिस्टेंस और इधर एलिवेशन आपने इधर लिख देना है प्रोफाइल के हिसाब से, मैनुअल इनपुट कर देना है इस डेटा के अंदर। 715.00 है, आपने जैसे कर देना है, कोई इसके अंदर फार्मूला नहीं लगा हुआ। 449.99 है, आपने 99 कर देना है। इसी तरीके से आपने इसको इधर लगा देने और इसके एलिवेशन को आपने लिख देने है। तो ये हमारे पास था एनएसएल का इनपुट डेटा और इधर से हमारे पास था फिनिश रोड लेवल का इनपुट डेटा। ये आपने डेटे बस इसके अंदर देना और इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना। ये आपके पास जितनी लंबी एनएसएल की फाइल है ये पूरी एंड तक बनी हुई है। आप इसके अंदर अपने जितने क्रॉस सेक्शन है सबका डेटा आप इधर से इनपुट कर सकते हैं। उसके अंदर आपने उसका डेटा आपने इनपुट कर देना है और इधर से आपने फिनिश रोड लेवल के लेवल्स दे देने हैं। और इधर से आपने इसका टॉप के ऊपर ये जो आपको येलो सेल नज़र आ रहे हैं, इधर से 5-6 सेल इसके अंदर आपने डेटा दे देना। उसके बाद आपने इधर से फर्स्ट आरडी करनी है तो -1 कर देना है। उधर से आपने नेक्स्ट आरडी के ऊपर आपने करता जाना है तो ये आपकी इधर से आरडी चेंज होती जाएगी और इधर आपके पास पूरा क्रॉस सेक्शन इधर आपका सारा चेंज होता जाएगा। उसी समय आप ये नीचे देख रहे हैं पूरा ये क्रॉस सेक्शन वगैरह सारे चेंज हो रहे हैं, सारे 250, 300, 350, 400, 450 इसी तरह 500, 550 और इसके बाद 600 और इसी तरह आप ये देख रहे हैं 650 है, 700 है, 750, ये पूरा क्रॉस सेक्शन ये सारे आपके सामने चेंज हो रहे हैं। उसके बाद
आपने अगर कट वाले एरिया के अंदर आना तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट के अंदर कि आपने जैसे कट की स्लोप नीचे वाली जो स्लोप है उसको माइनस टू कर देना है। जो भी आपकी स्लोप जा रही है माइनस टू जा रही है तो माइनस टू कर देना है, माइनस 1.5 जा रही है तो माइनस 1.5 कर देनी है, माइनस 1 जा रही है तो माइनस 1 कर देनी है, माइनस 2.5 जा रही है माइनस 2.5 कर देनी है। तो आपने ये स्लोप को इसी तरीके से इसके अंदर इनपुट कर देना है। तो ये मेरे पास स्लोप जा रही है माइनस 2% की, और जैसे आपने नेक्स्ट चार्टी करते जाना है और जो भी आपके पास कट एरिया और फिल एरिया आपके पास आ रहा होगा वो इधर से सारा आपके सामने इधर इस डिस्प्ले के ऊपर सारा आ जाएगा। और जैसे आप इसका एलिवेशन वगैरह को भी चेक कर सकते हैं और इनकी पूरी क्रॉस सेक्शन की सेटिंग्स वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास 00 क्रॉस सेक्शन वाली आईडी है और उसका जो एरिया है वो 335.55 है। आप नेक्स्ट चेक करेंगे आगे 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 आप आईडी चेंज हो जाएगी, आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया भी चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो जो सी भी आईडी आप आगे करते जाएंगे सारा आपके पास ऑटोमेटिकली इसका एरिया इसे कैलकुलेट होता जाएगा। एरिया के बाद आपने इधर मैं आपको बता दूं इधर साइड के ऊपर ये इधर आपको एरिया की कैलकुलेशन सारी हुई हुई है, इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। इधर से पास जस्ट आपने डेटा अपना इनपुट करना है और उसके बाद ये आप इधर साइड के ऊपर देख रहे हैं ये आपकी टो पॉइंट की कैलकुलेशन है। ये आपकी FRL के हिसाब से जो मेन आपकी टो आएगी ये उसके राइट साइड लेफ्ट साइड और ये उसके राइट साइड की कैलकुलेशन है, और दूसरी तरफ आपकी उसकी जो फिनिश ऑफ सब ग्रेड है हमारा टॉप ऑफ सब ग्रेड उसका ये हमारे पास ये टॉप कैच पॉइंट की कैलकुलेशन है। आप इसको चेक कर सकते हैं जैसे आपने इस डेटे को इनपुट करना है। इसके मुतालिक अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी टॉप पॉइंट कैलकुलेशन की राइट साइड लेफ्ट साइड की जो कैलकुलेशन है उसकी वीडियो देख सकते हैं, और इधर से एरिया कैलकुलेशन की भी आप वीडियो मेरी एक्सेल के अंदर इधर देख सकते हैं कि एरिया कैलकुलेशन एक्सेल मेथड ये सारी आपको उधर मेरे चैनल के अंदर मिल जाएंगी। उधर से आप ये देख सकते हैं इधर मैंने उसकी सेटिंग की हुई है। तो आपने इधर से जस्ट इधर से आपने क्लिक करना है इधर से और आपके पास क्रॉस सेक्शन का एरिया आ जाना है। नीचे आपने एरिया इधर आपने एरिया मैनुअल लिखने हैं। आपने कैसे लिखने हैं एरिया, इधर से मैं ये एरिया आपको थोड़े से मेरी इधर से आपको डिलीट कर देता हूँ, ये आपके पास दोबारा मैं लगाऊंगा, आप ख़त्म कर देंगे इसको। तो ये आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा जो मेजरमेंट शीट है वो सारी 0-0 होगी। ये सिर्फ पहला डिस्टेंस हमारे पास इधर है। तो आपने इधर से सबसे पहले अपनी पहली आरडी के ऊपर आ जाना है। इधर से आपने नेक्स्ट आरडी जो है हमारे पास 0-0 का ये सेक्शन आया हमारे पास, उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया आ गया हमारे पास 335.55। ये आपने इधर इनपुट कर देना है। उसके बाद आपने इधर से नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन करना है 354.96। तो नेक्स्ट 354.96 आपने देना है तो ये आगे आपके पास उसकी कैलकुलेशन आगे ऑटोमेटिकली होती जाएगी। इसी तरीके से आगे आपने 100 वाली क्रॉस सेक्शन के ऊपर आ जाना है। आपने जैसे उसको कॉपी करना है और जस्ट इधर पेस्ट कर देना है। ये आप पेस्ट करेंगे तो ये आप देखेंगे अपना क्रॉस सेक्शन नेक्स्ट आगे आ गया। इसी तरह नेक्स्ट आईडी हमारे पास 0+150 वाली ये क्रॉस सेक्शन आप इसको मैनुअल भी लिख सकते हैं और जैसे आप इसको राइट क्लिक करके और इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। आप ये दोनों काम इसके ऊपर कर सकते हैं इसका। उसके बाद आपने इसको डबल क्लिक करके जैसे आपने एवरेज एरिया वगैरह इसका सारा डबल कर देना है। तो क्योंकि ये हमारे पास मर्जिंग सेल हैं ज़्यादा हैं तो आपने जैसे इसको मैनुअल ही इनपुट करना है। तो जैसे आपने इसी तरह नेक्स्ट आरडी आप कर सकते हैं। इधर हमारे पास 200 की आ गई है, आपने इधर 376.95 आपने कर देना है। उसके बाद आगे आपके पास नेक्स्ट आरडी फिर आ जाएगी 250 वाली 445 इधर आपने लिखना है 444.500। तो ये आपने इधर इसको लिखना था इधर ये हमारे पास आरडी इधर हमारे पास ऊपर आ गई थी तो 250 वाली आरडी थी हमारे पास 445.27 आपने ये इधर क्रॉस सेक्शन लिख देना है इधर उसका एरिया। उसके बाद आपने इसी तरह नेक्स्ट आ जाना है 300 के ऊपर 397.65 आपने इधर इनपुट कर देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट 350 वाली हमारे पास आरडी आ जाएगी 379.74। तो आपने ये एरिया इसी तरीके से इसके अंदर इनपुट करते जाने हैं। आप ये एरिया इनपुट करेंगे एवरेज एरिया आपका और टोटल वॉल्यूम आपका इधर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता जाएगा। तो आपने इधर से ऊपर से नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। 400 के ऊपर आपके पास क्रॉस सेक्शन आ जाएगा 368.280 आपने इधर से इनपुट कर देना है। इसके बाद आपने इसी तरह नेक्स्ट आरडी 450 वाली हमारे पास है 366.1
17 आपने एरिया इनपुट कर देना है इसका, और जिधर तक आपके पास ये चीज़ें जा रही हैं आपने उसका एरिया इसी तरह इनपुट करना है। ये आपने फिल वाले एरिया के अंदर लिखना है। जब आपके पास फिल एरिया ख़त्म हो जाएगा और अगर आपके कट एरिया आते हैं तो आपने इधर से इसको आपने लाजमी इधर से 0-0 करना है और उसके दरमियान में आपने इधर कट एरिया लिखना है। तो ये आपकी कट एरिया कैलकुलेशन होगी। उसके बाद आपने फिर 0-0 कर देना है और इधर 150 है तो आपने कर देना है। उसके बाद आगे फिल एरिया 600 के ऊपर आप हमारे पास फिर इसी तरीके से 175 है या 70 है तो आपने इधर से 0-0 करना है और उसके बाद आपने इसकी कैलकुलेशन को इसी तरह कर लेना है जिस तरह ये हुई हुई है सारी। तो ये आपने कैलकुलेशंस को सारी आप इसी तरह कर सकते हैं इसका पूरे का पूरे। और इधर से आप ये 0-0 ये मैं देख लूँ कि आप इधर से लिखेंगे ये आपकी इधर सारी आरडीज आ जाएंगी। अगर आपके पास इधर फिल एरिया नहीं है तो भी आपने इधर 0-0 लिखना है और आपके पास ये उसके बाद उसकी कैलकुलेशन इधर इसी तरीके से इसके साथ होएगी। तो ये आपने इससे ख्याल रखना है। अगर आपके पास फिल एरिया नहीं भी है तो आपने इधर उसके साथ 0-0 लाजमी लिखना है। तो आप इसको लिखेंगे तो उसके बाद ये आपकी सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली एक्यूरेट हो जाएगी। और ऊपर ये जो आपके पास कॉलम नज़र आ रहा है टोटल फिल वॉल्यूम आपके पास जो आएगा 172.492.898 और इसी तरह टोटल कट वाली है 108142.750। तो ये सारा का सारा इधर आपके सामने आ जाएगा इधर से एरिया आप लिखते जाते हैं। तो ये तो था एक उसके एरिया के मुतालिक और उसकी कटिंग के मुतालिक कि आपने इसके क्रॉस सेक्शन कैसे बनाना है, फिल को कैसे बनाना है। अब आपने इस क्रॉस सेक्शन का प्रिंट कैसे निकालना है एक्सेल के ऊपर ही। आपको ऑटो कैड के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर से हर चीज़ आपकी कम्प्लीट है। तो ये पहले नंबर की शीट है क्रॉस सेक्शन के प्रिंट आउट की। तो इधर से आप ये देख रहे हैं नेक्स्ट आर डी इधर हमारे पास है। आप नेक्स्ट आर डी जिस तरह आपने पीछे किया था इसी तरीके से आपने इधर आ जाना है। और ऊपर आपके पास इसी तरह क्रॉस सेक्शन भी आईडियाँ भी चेंज हो रही हैं और डेटा भी सारा चेंज हो रहा है। तो ये वही क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास इधर आ रहे हैं उसका डेटा हमने इधर इसको लिया हुआ। आप ये देख रहे हैं -1 इधर 0 है। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये 0-0 वाली आर डी आ जाएगी और इधर भी इधर ये 0-0 वाली आर डी आ जाएगी। इधर से मैं नेक्स्ट आर डी करता जाऊँगा तो ये मेरे पास पूरा क्रॉस सेक्शन चेंज होता जाएगा। उसका वॉल्यूम जो फिल एरिया है क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर फुट एरिया वो भी इधर आ जाएगा, कट एरिया है तो कट आ जाएगा। आपने इसी तरह नेक्स्ट करते जाना है। इधर आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आपके नीचे चेंज हो जाएगी। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज़ इधर ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है सारा। इधर से आप सारे क्रॉस सेक्शन को ले सकते हैं और इसके बाद आपने इधर से डायरेक्ट उसको कंट्रोल पी कर लेना है और पूरी इसकी सेटिंग हुई हुई है। ये कंप्लीट आपके पास सेटिंग हुई हुई है। आपने इधर से इसको प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट करना चाहते हैं, PDF शेप में बनाना चाहते हैं, जिधर भी बनाना चाहते हैं ये पूरे का पूरा आप इसको प्रिंट आउट कर दें इधर से। तो ये आपका सारा इधर से प्रिंट हो जाएगा। ये 0+350 वाला क्रॉस सेक्शन है। ये 0+350 वाला क्रॉस सेक्शन मेरा PDF के शेप के अंदर ये प्रिंट हो गया। जैसे मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ इधर, तो ये मेरे पास होएगा 0+350। ये 0+350 वाला क्रॉस सेक्शन है। तो ये आप देख रहे हैं ये PDF की पूरी फॉर्मेट के अंदर है सारा कुछ ये उसी तरीके से। तो ये पूरे PDF के साथ आप इसको एक ही फाइल के अंदर भी बना सकते हैं। जैसे आपने बस नेक्स्ट क्लिक करते जाना है, 400 है, आप इसको कंट्रोल पी कर दें और इधर से आप इसको प्रिंट करते जाएँ। इधर से आपने क्रॉस सेक्शन का नाम 0+300+470+400 आपने इधर से इसको करते जाना है और ये पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन आपके इधर सेव होते जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आई डी भी आप आ जाएँ, कंट्रोल पी कर लें, ये पूरा क्रॉस सेक्शन है, प्रिंट की कमांड ले लें और इधर 3400 था, 0+450 जितनी आपकी क्रॉस सेक्शन की आर डी आ रही है आपने उधर से इस आर डी को उधर से जस्ट चेंज कर देना है। तो ये आपके पास पूरा प्रिंट होता जाएगा और ये बहुत ही अच्छी शेप के अंदर ये आपके सामने इधर आते जाएंगे PDF की शक्ल में। आप इधर से इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, किसी को आपने भेजना है उसको भेज सकते हैं। इसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड फिल कट, और ये सबसे अहम बात इस चीज़ की कि इस पूरे प्रोग्राम को आप एक्सेल के अंदर भी अपने मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अपने क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर आपके पास आपके सिस्टम के अंदर एंड्राइड के अंदर या आईफोन के अंदर पूरा आपका आपने एक्सेल की फाइल को इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके अंदर भी ये सारा डेटा आप इसी तरह दे के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और लाइक ज़रूर कर देना है। तो आपने इसी तरीके से मैंने आपको पूरी डिटेल के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने इसको कैसे बनाना है, इसके अंदर आपने कैसे इसका प्रिंट कर लेना है उसका, और इसके अंदर जो जो सी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मैंने आपको इधर इस मेन शीट के अंदर बताई हैं आपके पास। कि आपने जैसे टॉप बेल्ट देनी है, स्लोप्स देनी है, आपने क्रॉस सेक्शन
स्लोप दे देनी है और थिकनेस स्टार्ट और एंड आईडी दे देनी है। उसके बाद आपने अगर ये टोटल वॉल्यूम आप देखना चाहते हैं आपके पास कोड जैक कितने हैं, तो इधर ये आपके पास सिंगल सेल के ऊपर वॉल्यूम आएगा इधर 450 वाला, तो आपने वो वॉल्यूम 450 वाली जो क्रॉस सेक्शन वाली आरडी है वो आपने इधर लिख देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने करते जाना है, जो भी एरिया आपके पास आ रहा है 500 के ऊपर 432.34, तो ये आपने दस इनपुट करता जाना, तो ये आपकी सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होती जाएगी। ये डेटा आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा वी लुकअप के ज़रिए, इधर फार्मूले लगे हुए सारे, आप इसको देख लीजिएगा। सिंपल सा एक शीट बनाई है मैंने, सिंपल सा लेकिन बहुत यूज़फुल शीट है। ये सबग्रेड की एलिवेशन है इधर, ये सबग्रेड की आप ये देख रहे हैं, जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरी लेंस हमारे पास इधर सबग्रेड के ऊपर सिलेक्ट हुई हुई है। इसी तरीके से ये फिनिश रोड लेवल है, ये आप देखेंगे तो ये फिनिश रोड लेवल है, और ये नीचे एनएसएल है, तो ये एनएसएल की पूरी लेंस सिलेक्ट हुई हुई है जिसके ऊपर यह स्केच बना हुआ है और इसके सारे एलिवेशन वगैरह आ रहे हैं। तो इसके मतलब एरिया और कैच पॉइंट टॉप पॉइंट की मैंने वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है, आगे फिर मैं अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों तक, ताकि ये आपको ये जो एरिया आ रहे हैं क्रॉस सेक्शन के ऊपर वो आपने एरिया एक्सेल के अंदर कैसे कैलकुलेट करना है, आप इससे को सेम टू सेम वर्किंग करते हुए आपने ये एनएसएल और ये जैसे आप इसको ये जो हमारे पास सबग्रेड के लेवल्स वगैरह है इसको आप ऑटोकैड के अंदर पेस्ट करते हैं तो ये आपके पास एरिया सेम टू सेम आएगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे, तो आपने इधर से इजिकल टू, मैं जस्ट इधर आपको प्लॉट करके बता रहा हूँ, इजिकल टू आपने इधर से डिस्टेंस, इसको मैं ऑटोकैड के फॉर्मेट के ऊपर ले आता हूँ, एंड डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा एंड, और ये इसका एलिवेशन आ गया है। जैसे मैं इसको इनपुट कर देता हूँ और जैसे मैंने इसको इसी तरीके से नीचे तक मैं पेस्ट कर देता हूँ तो ये पूरा फॉर्मेट मेरे सामने आ गया इसका ऑटो कैड के ऊपर बना हुआ। तो ये आप ये देख रहे हैं 50 तक, तो ये पूरा हमारे पास 50 है, ये इधर 704.35 और फर्स्ट एलिवेशन हमारे पास -50 और 706.16, तो ये एलिवेशन है। तो इधर इसको मैं इधर से कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करने के बाद ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है और इधर मैंने पॉलीलाइन की कमांड ले लेनी है PL, इधर मैंने इसको पेस्ट करना है, ये हमारे पास NSL की लाइन आ जाएगी जूम एक्सटेंड ये, और इसी तरीके से आपने इधर ये जो हमारे पास सबग्रेड की लाइन जा रही है इसके एलिवेशन को भी मैं इधर सेम टू सेम इसी फॉर्मेट के अंदर इधर आपके सामने बनाता हूँ। इजिकल टू कर लेंगे आपने डिस्टेंस एंड डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा एंड, और उसके बाद एलिवेशन इसको जस्ट नीचे तक मैंने इधर क्लिक कर देना है इसके सामने तक, और इस डेटा को मैंने कॉपी कर लेना और ऑटो कैड के ऊपर आऊँगा और इधर से मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास सब ग्रेड से जाएगी लाइन, तो इधर से मैंने पोली लाइन की कमांड ले लेनी है PL, और उसके बाद मैंने उसको पेस्ट कर देना है। ये आप देखेंगे ये हमारे पास ऊपर सब ग्रेड की हमारी लाइन आ गई है पूरी डिज़ाइन की सेक्शन, और नीचे हमारे पास एन एस। तो इधर से मैं लिप्स कमांड क्यू की ले लेता हूँ एरिया के लिए, और इसको मैं क्लिक करके इधर पेस्ट करता हूँ। ये आप देखेंगे 357.88, ये आप इधर आते हैं 357.88 एरिया। आप इसी तरीके से इसको आगे आप चलाते जाते, जिस जगह के ऊपर आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है एरिया का किसी चीज़ का, तो आपने इधर से ये अपने टॉप पॉइंट्स के हिसाब से उसके एलिवेशन को एडजस्ट करना है 26, 32, और इन एलिवेशन को आपने एडजस्ट करना है। इसके मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर, इससे पहले मेरी वन क्लिक वाली क्रॉस सेक्शन वाली वीडियो गई थी उसके अंदर भी मैंने इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ बताया था, आप उसको भी चेक कर लीजिए, बहुत यूजफुल वीडियो है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बेसिकली इसके क्रॉस सेक्शन के प्रिंट के मुताबिक बताना था कि आपने अपना डेटा कैसे इनपुट करके और अपना आप क्रॉस सेक्शन को अपना एक्सेल के अंदर कैसे बना सकते हैं बहुत ही यूजफुल फॉर्मेट के अंदर, उसको PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने व्हाट्सअप करना है उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्रिंट निकालना है तो आपने प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आप ये एरिया को इसी तरीके से क्रॉस सेक्शन को आपने इधर बनाते जाना है, ये आपको पूरा क्रॉस सेक्शन चेंज होते जाएंगे और उसको आपने कंट्रोल पी करके और प्रिंट निकाल सकते हैं और इसका PDF फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह।